सिम्बा, अस्सलाम वालेकुम सिम्बा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? आज फिर से जो है ना, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जल्दी ही मुझे जाग हो गई है। नींद से बेजार होके उठ गई हूँ और मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी उठें तो जल्दी जल्दी सारे काम ही कर लें। और आज जो है ना, अभी मैंने खाना चढ़ा दिया और आज मैंने जाना है डॉक्टर के पास। ये देखें, मेरे ना पाँव में फ्रैक्चर हो गया, तो इसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। ये वही बहुत पहले वाला जो मुझे पहले चोट लगी थी उसका, यहाँ अपनी सिटी में मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब मैं उमरा पे गई हूँ तब भी इसने मुझे बहुत तंग किया है, मुझे उमरा में भी बहुत मसले हुए थे। तो अब जो है ना, फिर से अब मैंने कहा ये फिर से, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई है इसमें, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जाऊँ डॉक्टर को दिखा के आऊँ। और माशाल्लाह से ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे नींबू लगे हुए हैं, ये देखिए माशाल्लाह। मैंने कहा जाऊँ और पौधों को पानी भी लगा दूँ, अभी लगाते हैं पौधों को पानी। माशाल्लाह से ये देखें, ये पौधों ने जो है ना नहा लिया है और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। तो जैसे हम खुद नहाते हैं वैसे हमें पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो। और अब इस पर भी पानी लगा देते हैं। इधर है जी हमारी ग्रीन टी और ये दूसरा देसी लेमन। अच्छा, जो देसी लेमन है ना, इस पर अभी तक भी कोई नींबू नहीं लगा, फ्लावर भी नहीं लगे। मुझे लगता है शायद ये मौसम में ही आएगा, गर्मियों के मौसम में। तो माशाल्लाह से ये हमारा हर मौसम वाला जो है ना, इसने बहुत अच्छा वो दिखाया है, काम दिखाया है। अभी देखें इस पर फूल भी लगे हुए हैं, इसलिए मैं जहाँ जहाँ फूल नहीं है वहाँ वहाँ पानी मार रही हूँ। अदरवाइज़ जो है ना, इसको अगर फूल ही टूट जाएंगे तो फिर नींबू नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर फूल लग रहे होते हैं ना, वहाँ पर आपने ध्यान से पानी लगाना होता है ताकि फूल टूटे ना। और अभी पाइप को इधर ही डाल देते हैं ताकि पानी भर जाए इधर क्यारी में। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है व्लॉगिंग के रिलेटेड। तो बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आप हमें बताएं कि आप व्लॉगिंग कैसे करती हैं और कैसे व्लॉग बनाती हैं। और सच पूछें तो मैंने अभी तक जो है ना अपना चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ मेरा, अभी तक जो है ना मेरा काम वहीं पे ही रुका हुआ है। जस्ट मैं बस वीडियो डाल के अपलोड कर रही हूँ, कोई मेरे पास उसकी पिन नहीं आई। एक दो बार किसी से अप्लाई करवाई है लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, कोई ना मुझे ईमेल रिसीव हुआ है ना कोई एडसेंस अकाउंट कोई कुछ हुआ है। तो मैंने सोचा था कि सिर्फ अगर एडिटिंग पूछेंगी तो मैं उनको बता दूंगी, एडिटिंग तो मैं कैप कट से करती हूँ और वो तो सबने ही बताया हुआ है अपनी अपनी वीडियो में कि वो ना कैप कट से एडिटिंग करते हैं, लेकिन इससे आगे का जो भी है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे करते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैं माजरत ख्वाहूँ आप सबसे, जो भी जिन्होंने भी मुझे मैसेज किए हैं। हाँ, लेकिन जो व्लॉगिंग करने का जो मेरा तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैं खुद भी बहुत घबरा रही हूँ, अभी तक मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे व्लॉग बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक जो है ना मेरा यही चल रहा है, इसलिए मैं कुछ दिन छोड़ देती हूँ। फिर जब मुझे मैसेज आना शुरू होते हैं कि जैसे भी आप ही बना रही थी वैसे ही बनाएं, तो फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। अभी तक जो है ना बस यही चल रहा है। और बारी है अब हमारी इस क्यारी की, और ये हमारा अमरूद है सामने, इसको भी पानी लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं जाके अपना सालन देखती हूँ कि वो जल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ एक ऐसी चीज़ की जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार थी, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था यहाँ से। तो मैंने ऑर्डर किया है, मेरा तकरीबन 1 मंथ हो गया है, मेरा ऑर्डर आ ही नहीं रहा था। मैं
इतना मैंने इसके पीछे पता करवाया सबको। खैर जी, आज मुझे जो है ना मेरा पार्सल मिल गया, तो आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। अच्छा जी, ये जो चीज है ये है वो चीज जो मैं मंगवा रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मुझे मिल गई है। तो ये जी मैंने स्टैंड बाय करवा किया था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, और फाइनली अब मुझे मिल गया है। तो अब मैं जो है ना इस पे इसको लगा के अपने मेकअप के जो भी टिप्स वगैरह जो चीज़ें भी मैंने अपलोड करनी होंगी या वीडियोस बनानी होंगी तो उसमें मुझे बहुत आसानी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज मुझे मेरा पार्सल जो है रिसीव हो गया है। अभी मैं इसको करती हूँ सेट और आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये इतना बड़ा स्टैंड मेरे कद से भी लंबा है, और ये जो है ना इसका एक्स्ट्रा ही है कुछ, तो एक्स्ट्रा ज़रूरत के लिए जैसे ना, तो ये फोल्ड भी हो जाता है। तो मुझे इसका जो है ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार था अपने व्लॉग्स बनाने के लिए या ऐसे टिप्स बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब जो है ना ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, और मैंने इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी है ये। और जहाँ से मैंने ली है उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप जो है ना, हम आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, कुछ देर आप सब्र कर लें कुछ दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ दिन सब्र कर लिया, और मेरी जो चीज़ है वो मुझे बहुत अच्छी मिली, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि फाइनली जो है ना ये अब पहुँच गई है मेरे पास। तो अब जो है ना हम इनसे इंशाल्लाह अपने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने मंगवाया है ये बहुत ही अच्छा सा माइक, ये देखें, यहाँ पे जो है ना मैंने मंगवाया है एक माइक और एक स्पीकर, क्योंकि जब हम नात पढ़ते हैं तो मेरी वॉल्यूम जो है ना बहुत ऐसे स्लो हो जाती है नात पढ़ते टाइम सबके सामने। तो मैंने कहा कि नात तो वैसे भी पढ़ते हैं और खर्चे तो वैसे भी हम कर लेते हैं, तो चलो हम कुछ जो है ना इसलिए भी कुछ खर्चा कर लें। तो ये मैंने एक स्पीकर लिया है, इसके साथ वो माइक अटैच होगा, और फिर जो है ना हम नातें भी इसमें पढ़ सकते हैं बआसानी। तो ये मैंने दो चीज़ें ली है, एक मैंने स्टैंड लिया और एक ये लिया है। और अब हम जो है ना अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, और इसको देखते हैं कि अंदर से कैसा है और इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसके साथ ये दो चीज़ें हैं, मुझे लगता है इसमें शायद वायर होगी, चार्जिंग केबल। अच्छा नहीं, इसके साथ ये एक वारंटी कार्ड है। ऑडियोनिक की चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी होती हैं, तो ये इनका एक वारंटी कार्ड है साथ में। हाँ जी, अच्छा जी, 1 ईयर जो है इसकी वारंटी है, और ये इसके साथ ही में कोई इसके रूल्स और जो इसकी सेटिंग वगैरह का कार्ड दिया है इन्होंने। तो स्पीकर देखते हैं कि स्पीकर कैसे है। स्पीकर जी ये है स्पीकर, अच्छा ये चलता कहाँ से है, ऑन इधर से होता है। इसकी वॉल्यूम कम कहाँ से होगी, पता नहीं। अब इसको जो है ना ट्राई करके देखते हैं, इसमें माइक लगा के देखते हैं, और हमारे घर पे जो है ना मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं वही ना डर जाएं कि ये क्या हो रहा है, भाई लोगों भागो यहाँ से। इसलिए जो है ना अभी इसको करते हैं बंद फिलहाल के लिए, तो बाद में इसको ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पर कोई नात पढ़ के आपको सुनाऊँगी। सलाम अलैका या हबीब।
चलो जुड़ गए।